नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज है शहीद दिवस। प्रदेश में 855 वीर शहीदों को याद किया जा रहा है। 10 दिसंबर 1979 को खरगेश्वर तालुकदार ने असम और असमिया के लिए हुए सबसे बड़े जन आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देकर शहीद हुए थे। असम आदित्य की ओर से हम सभी इन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज है शहीद दिवस। राज्य में 10 दिसंबर को शहीद दिवस के दिन असम आंदोलन में शहीद हुए वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। हर साल इस दिन को राज्य के लोग 6 वर्षीय असम आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 855 शहीदों की याद में शहीद दिवस मनाता है। असम आंदोलन 1979 से 1985 तक अवैध अप्रवासियों के खिलाफ असमिया लोगों का आंदोलन है। इसे स्वतंत्र भारत में सबसे मजबूत आंदोलनों में से एक माना जाता है। 10 दिसंबर 1979 जन आंदोलन में खरगेश्वर तालुकदार शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद अहिंसक तरीके से शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो गया था। परिणाम स्वरूप असम आंदोलन में अन्य 854 लोगों की जान चली गई थी। असम आंदोलन के पहले शहीद खरगेश्वर तालुकदार के साथ साथ 854 वीर शहीदों की पवित्र स्मृति में हर साल शहीद दिवस मनाया जाता रहा है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रव्यापी 2 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। 16 एवं 17 दिसंबर को देश भर के बैंकों का हड़ताल कार्यक्रम लागू किया जाएगा। बैंक हड़ताल 2 दिनों तक राष्ट्रव्यापी बैंक बंद रहेगा। 16 एवं 17 दिसंबर गुरुवार और शुक्रवार को देश भर के बैंकों का हड़ताल कार्यक्रम लागू किया जाएगा। देश भर के करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल के माध्यम से ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। गुवाहाटी के ससल में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस भी इस विरोध कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारी देश भर में ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। वे बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक को समानांतर रूप से चुनौती देने की मांग का भी विरोध करेंगे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। भारतीय सेना के 3 सेवाओं के CDS लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत के असामयिक निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चराइदेव में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। भारतीय सेना के 3 सेवाओं के CDS लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत के असामयिक निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बुधवार को चराइदेव जिले के नौगाहाट में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। नौगाहाट में भारतीय जनता युवा मोर्चा के चराइदेव जिला समिति की पहल पर सेना के प्रिय अधिकारी के साथ साथ दुर्घटना में मारे गए 13 अन्य लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सबने मिलकर दीप भी जलाई। इस दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के चराइदेव जिला समिति के अध्यक्ष रूपम गोगोई ने भाग लेकर श्रद्धांजलि दी। भारतीय सेना बाहिनीर मुख्य सेनाध्यक्ष बिपिन रावत डांगरियार जुवाकाली जी आमार हेलिकप्टर दुर्घटनात जी तमिलनाडु जी दुर्घटना होइसिल এই দুর্ঘটনাত আকস্মিকভাৱে মৃত্যু খাবতি লোৱাত আমি সমগ্র ভারতবর্ষৰ জনসাধাৰণৰ লগতে আমি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ সমূহ সতীৰ্থৰ হৈ সভাপতিৰ মজিয়াৰ পৰা আমি ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ বিপিন রাউত ডাঙৰীয়াৰ এই মৃত্যুত আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো। এই মৃত্যুত সমগ্র ভারতবর্ষৰ কাৰণে এটা অপূৰণীয় এটা ক্ষতি। তেখেতৰ লগতে যি 12 গৰাকী মৃত্যু খাবতি লবলগীয়া হল, আমি তেখেতলোকৰ পৰিয়ালৰ হৈও আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো। চৰাইদেউৰ ৰূপামণি গগৈ কি ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। বলিউড ষ্টাৰ কাপল ভিকি কৌশল আৰু কেটৰিনা কেফ গুৰুবাৰ কো ৰাজস্থান কে সৱাই মাধোপুৰ জিলে কে সিক্স সেন্স হোটেল ফৰ্ট बरवाड़ा में शादी के बंधन में बंध गए। विकी कौशल और कैटरीना कैफ ने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी की और होटल के शीश महल इलाके में बने विशेष कांच के मंडप में सात फेरे लिए। बॉलीवुड स्टार कपल विकी कौशल और कैटरीना कैफ गुरुवार को राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के सिक्स सेंस होटल
फोर्ट बरवाड़ा में शादी के बंधन में बंध गए हैं। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी की और होटल के शीश महल इलाके में बने विशेष कांच के मंडप में सात फेरे लिए। चौथ का बरवाड़ा में स्थित किला राजपूत शासकों द्वारा 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जिसे सिक्स सेंस कंपनी ने एक आलीशान हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया है। शादी समारोह में बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुई। इस खूबसूरत कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की है। कैप्शन में लिखा है, हमारे दिलों में केवल प्यार और कृतज्ञता है जो हमें इस क्षण तक ले आई है। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद को देखते हुए हम एक साथ इस नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले विक्की कौशल ठेठ राजस्थानी और पंजाबी अंदाज में बारात लेकर फोर्ट के एक सिरे से दूसरे सिरे पहुंचे। उनके साथ राजस्थानी साफा पहने और शेरवानियों में कई बाराती थी। जमकर डीजे बजा और शहनाइयों की गूंज भी फोर्ट के बाहर आती सुनाई दी गई। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 10 दिसंबर की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1582 में फ्रांस ने ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करना शुरू किया था। 1902 में तस्मानिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था। 1903 में पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1936 में चीन जापान के बीच हुए युद्ध में चीन की सहायता के लिए भेजे गए भारतीय चिकित्सा सहायता दल के प्रमुख थे। 1963 में अफ्रीकी देश जंजीबार ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की थी। 1994 में यासर अराफात, विज़ाक राबिन एवं शिमोन पेरेज संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। 1998 में अमर्त सेन को स्टॉकहोम में अर्थशास्त्र के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1999 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ समझौते के अनुसार आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराना आर्थिक अपराध घोषित किया गया था। सन 2000 में नवाज शरीफ सपरिवार पाकिस्तान से 10 साल के लिए निर्वासित किए गए थे। 2002 में अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी वायु सेवा कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस दिवालिया घोषित की गई थी। 2003 में कोलंबो में राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा और प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंधे के बीच वार्ता विफल हुई थी। 2004 में ढाका टेस्ट में कपिल देव को पीछे छोड़ते हुए अनिल कुंबले टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने थे। 2005 में कजाकिस्तान में हुए राष्ट्रपति चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। 2006 में चिली के पूर्व तानाशाह जनरल अगस्तो पिनाशे का सेंटियागो में निधन हुआ था। और आज ही के दिन सन 2013 में मादक पदार्थ मारीजुआना के विकास, बिक्री तथा उपयोग को वैध बनाने वाला उरुग्वे पहला देश बना था। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।